Secondly, United Movement Jamaat Janab Zafar Subhani Sahab is a most serious person, most हमारे seniors में से हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा. और मैं जब इनसे मिलता हूँ तो मुझे खुशी ये होती है कि हमारे साथ हमारे सरों पर ऐसे लोग मुदब्बर और मुदलिल लोगों का हमारे सरों पर साया है जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं. मैं जफर सुबानी साहब से इस हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा. बहुत तारीफ की, मैं उसका हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत खुशी हुई मैं यहाँ आया, इसके अंदर शरीक हुआ. ये जो मैच हुए थे 3 हफ्ते पहले, उसमें मैं और शहजाद मौजूद थे, और जो जज्बा कच्ची टीम का था वो बहुत ज़्यादा वो बयान की काबिल नहीं है. और बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देता हूँ डेडिकेशन से अमीन ईसानी साहब ने जो है इस तरीके से टीम को साथ लेके चले, और वहाँ भी जो इस तरह का डेडिकेशन था वो उसकी कोई मिसाल नहीं है. जहाँ तक शहजाद ने जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं WMO के हिसाब से, और वो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फुल कैप करना चाहिए. एक और चीज़ जो WMO ने शुरू की है, आपका टेक्निकल तालीम की जो है वो उन्होंने शुरू की 1 साल से, और UMK ने अपना तकरीबन 15 बच्चों को स्पॉन्सर किया, 6 महीने का कोर्स था, और वो डिफरेंट फील्ड्स का है. वो भी मेरा ख्याल है कि हमें जो जो चीज़ें इस वक्त WMO और आपका ऑल पाकिस्तान मेमन का है वो हमें शुरू करना चाहिए. कच्ची मेमन ऑब्वियसली एक उनका अपना वो था, हमें पूरी तरीके से अपनी जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं कैपेसिटीज को पूरा करना चाहिए. अब सबका बहुत शुक्रिया, हम सब यहाँ पर आएँ. बहुत मुबारक हूँ सर, थैंक यू.